तो गाइस सब लोग रेडी हो गए हैं, शाम भी हो गई है। अभी हम डिनर करने जा रहे हैं, बफे डिनर करने जा रहे हैं। आज फाइन डाइनिंग नहीं जा रहे हैं, फाइन डाइनिंग हम करेंगे कल। और अभी तक आपको कैसा लग रहा है क्रूज? अच्छा लग रहा है। आज थोड़ा सी रफ है तो थोड़ा स्वे हो रहा है। या थोड़ा सा ज़्यादा हिल रहा है आज क्रूज, क्योंकि मौसम काफ़ी विंडी है। और गाइस इस समय यहाँ स्क्रीन पर मूवी भी चल रही है, रात हो गई है, लोग ऊपर बैठ के देख रहे हैं अभी। तो गाइस यहाँ पे बहुत वैरायटी है, आ गए हैं हम अभी बफे में। और हर रोज़ अलग अलग नेशनैलिटीज़ के ये लोग रखते हैं थीम। आज चाइनीज़ है, कल जमैकन था, और एक इंटरनेशनल फ्लेवर्ड काउंटर भी है वहाँ पे। इंडियन ज़रूर रखते हैं हमेशा। क्या ले रहे हो यार? आज सुबह से मेरा टोमेटो सूप पीने का मन कर रहा था। अनियन सूप नहीं, वो मेंचाओ भी है एंड कॉर्न सूप भी है। यस, आज का थीम वहाँ पे चाइनीज है, चाइनीज फ्लैग लगा रखे हैं। ओके, अच्छा कल जमैकन था। कल जमैकन था। अब मैं आपको दिखाता हूँ इंडियन खाना जो कि ज़रूर होता है यहाँ पे। इंडियन में क्या है आज? फिश करी और राइस। ओह, फिश करी एंड राइस। आलू मटर भी है, पापड़ भी है, रोटी भी है। और गाइस दिन में यहाँ सामने बहुत अच्छा व्यू भी होता है, सी वगैरह दिखता है। और अगर ये कहीं डॉक हो रखी है तो वो सिटी पूरी दिखती है यहाँ से। तो गाइस हमने खाना खा लिया है, अब हम आए हैं ऊपर डेक 13 पे। और यहाँ पे पूरा एक आर्केड भी बना हुआ है, और यहाँ पे डे केयर भी है उधर बच्चों के लिए। ये पूरा एरिया बच्चों के लिए ही है, डे केयर में जैसे आप छोड़ सकते हो अगर आपको अपना कुछ और एडल्ट पूल में जाना है। और यहाँ पे ये आर्केड है, और अभी हम जाके आर्केड को चेकआउट करते हैं। I wanna try this. ये है एयर हॉकी। यूजली एयर हॉकी मैंने देखा है जो फ्लैट होता है, बट ये ऐसे कर्व में है। हार जाएगा तो हमेशा जीतता हूँ मैं, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, चीटिंग करके जीतता हूँ। कोई चीटिंग नहीं करता मैं। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जितने भी आपको यहाँ गेम्स दिख रहे हैं ये फ्री नहीं है। वहाँ पे एक मशीन लगी है, आपको अपने रूम की में, जो हमें रूम का एक कार्ड मिला है की कार्ड, उसमें आपको क्रेडिट्स डलवाने पड़ते हैं और वो आप यहाँ पे यूज़ करते हैं। और यहाँ क्रूज पे आपको अपना वॉलेट या पर्स कैरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जो आपका रूम की कार्ड होता है वही सब कुछ होता है। आप उसी से पे करते हो हर जगह, और वो क्रेडिट कार्ड से आपके पैसे कट जाते हैं जो डला होता है। सो गाइस नेक्स्ट डे हम डॉक करे कोको के आइलैंड, जो कि बहामास में रॉयल कैरेबियन का ही एक प्राइवेट आइलैंड है। रॉयल कैरेबियन की सारी क्रूज शिप्स यहाँ पे डॉक तो करती ही है एक दिन के लिए, ताकि लोग यहाँ पे एंजॉय कर सके। और यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीचेस हैं, और पूरा एक वाटर पार्क भी बना हुआ है, और काफी अलग अलग तरीके का खाना भी यहाँ पे मिल रहा था जो कि सब फ्री था। बीच पे स्विमिंग करने के बाद जब हम आइलैंड घूम रहे थे तो हमने देखा कि वहाँ एक पूल पार्टी भी चल रही थी, तो फिर हमने सोचा हम भी कूद जाते हैं पूल में। हे गाइस नेक्स्ट डे की शुरुआत हो गई है, हमने क्रूज से हम बाहर आ गए हैं। वो डॉक करी थी यहाँ नासो बहामास में, जो कि बहामास की कैपिटल है। और यहाँ पे हमने एक स्कूबा डाइविंग
का सेशन बुक कराया हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं उसके लिए। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बट ये थोड़ी सी डरी हुई है। कुछ कहना चाहती हूँ? डरी क्या, अभी थोड़ा तो डर लगता है भाई, अंडर वाटर लग रहा है मेरे को डर। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। तो बस चलते हैं, अभी हम वेट कर रहे हैं, वो हमें पिकअप करने आने वाले हैं यहाँ पे, तो बस उनका वेट करते हैं। आई थिंक आ गई स्टुअर्ट कोव की, आई सी द बस। तो गाइस स्टुअर्ट कोव पहुंचने के बाद हमने चेक इन करा, और उसके बाद ये लोग हमें बोट में सी के बीच में ले गए थे। और इस पैकेज में तीन चीज़ें इंक्लूडेड थी। जो फर्स्ट पार्ट था वो था स्नॉर्कलिंग, और एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जिस जगह हम स्नॉर्कलिंग कर रहे थे वहाँ नीचे शार्क्स भी थी, तो स्नॉर्कलिंग करते हुए हमें शार्क्स भी दिख रही थी नीचे। सेकेंड पार्ट में ये लोग हमें शैलो वाटर में ले गए, जो कि अराउंड 20 फीट डीप था, और वहाँ पे इन्होंने हमें एक्सरसाइजेस कराई स्कूबा डाइविंग से पहले। फॉर एग्जांपल, अगर आपके मुंह से ऑक्सीजन रेगुलेटर निकल जाए तो आप उसे वापस कैसे अपने माउथ में लगाओगे और ब्रीदिंग दोबारा कैसे शुरू करोगे। और इन्होंने हमें BCD यूज़ करना भी सिखाया, जो कि एक लाइफ जैकेट होती है स्कूबा डाइविंग के टाइम आप पहनते हो, और उसमें आप हवा भर भी सकते हो और निकाल भी सकते हो। तो अगर आपको जैसे पानी में नीचे जाना है तो आप एक बटन दबा के हवा निकाल सकते हो, और अगर आपको ऊपर आना है तो आप दूसरा बटन दबा के उसमें हवा भर सकते हो, और फिर आप ऊपर फ्लोट हो। थर्ड पार्ट था मेन स्कूबा डाइविंग। जिस स्पॉट पे हम लोग डाइविंग के लिए गए थे उसका नाम हॉलीवुड बोल है, और वो काफ़ी फेमस स्पॉट है बिकॉज वहाँ पे काफ़ी सारे हॉलीवुड के एड्स शूट हुए हैं और मूवीज़ भी शूट हुई हैं, फॉर एग्जांपल पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन। हम बार बार अपना एयर गॉज भी चेक कर रहे थे टू मेक श्योर दैट वी डोंट रन आउट ऑफ एयर, और हमें अपने ईयर प्रेशर भी बैलेंस करना था, जिसके लिए हम अपनी नोज पिंच करके ज़ोर से ब्लो करते थे ताकि जो हमारे कान में प्रेशर बना है वो बैलेंस हो सके और हमारे कान खुल सके। जब आप स्कूबा डाइविंग में नीचे जाते हो ज़्यादा डेप्थ में तो आपके कान बंद हो जाते हैं, और आपको ऐसे नोज पिंच करके ब्लो करना पड़ता है ताकि वो खुल सके। स्कूबा डाइविंग होगी, वापस हम आ गए पोर्ट पे क्रूज शिप के, और पहले इन्होंने ना स्नॉर्कलिंग कराई फिर स्कूबा डाइविंग कराई। तो तन्वी ने स्नॉर्कलिंग कर ली थी, बट इससे स्कूबा डाइविंग न्यू है, स्कूबा डाइविंग के लिए मैं गया था सिर्फ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, आई रिग्रेट, क्योंकि यार मेरे से हो रहा ही नहीं था अंदर जाना, एंड डर नहीं था, बट आई वाज जस्ट लाइक 30 मिनट्स अंदर, आई डोंट नो मैं क्या अगर कुछ हो जाता है भाई। एक तो वो वेवर साइन कराते काफी अच्छा था, और थोड़ा स्केरी भी था। बट डेफिनेटली अगर आप आ रहे हो तो करो, डेफिनेटली करो स्कूबा डाइविंग, डेफिनेटली करो। अब चलते हैं थोड़ा सा मार्केट घूमते हैं, भामस का यहाँ भारी है, ऐसा कुछ खास नहीं है बट देखते हैं क्या क्या है।
ये क्रूज पोर्ट के आगे ही इन्होंने सामने ही ऑपोजिट एक मार्केट टाइप बना रखी है, काफ़ी खाने पीने की जगह है, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी है। एक मैं फन फैक्ट बता देता हूँ बहामास के बारे में कि यहाँ पे इंडिया की तरह लेफ्ट साइड में ड्राइव करते हैं स्ट्रीट के, नॉर्थ अमेरिका में यूएस कनाडा में राइट साइड में करते हैं, बट यहाँ पे लेफ्ट साइड में करते हैं बिकॉज ये एक ब्रिटिश कॉलोनी रही है। तो हमने अभी इधर से एक फ्रिज मैग्नेट लिया एंड ब्रेसलेट लिया बिकॉज इट्स रियली इम्पॉर्टेंट, आप जिधर भी जाओ कुछ ना कुछ ऐसे कलेक्ट करो जिससे आपके मेमोरीज बने रहे। सही बात है गाइस, काफ़ी खतरनाक है यहाँ पे स्ट्रीट क्रॉस करना, एकदम इंडिया वाला माहौल है, कोई कहीं भी कैसे भी चला रहा है। तो अपना देखो और ये देखो हॉर्न भी बजी है पीछे, तो अपना देखो और संभल के स्ट्रीट क्रॉस करो, यहाँ कोई किसी के लिए नहीं रुक रहा। जब वापस क्रूज शिप पे जा रहे हैं हम, और वो जो ऑरेंज बिल्डिंग दिख रही है आपको, वो वहाँ पे अटलांटिस होटल है, वो आधा पानी के ऊपर है और आधा पानी के नीचे है, और काफ़ी फेमस, काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा बना हुआ होटल है, वो बहुत एक्सपेंसिव है, और ये वही अटलांटिस है जो दुबई में भी है। और गाइस आपको मैंने अंदर से तो दिखा दिया है क्रूज शिप हमारा, अब मैं आपको बाहर से भी दिखा देता हूँ। ये जो मेरे पीछे दिख रहा है फ्रीडम ऑफ द सी, ये है हमारा क्रूज शिप, और मैं आपको अब दिखा देता हूँ बाहर से।